हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। यहाँ पर देखिए, मैंने आज पुराने कपड़े लिए हुए हैं। और भी बहुत सारे कपड़े होते हैं घरों में, कुछ सूट होते हैं हमारे, कुछ साड़ी होती हैं, जो पुराने कपड़े हो जाते हैं हम उन्हें स्टोर करके रखे रहते हैं, तो क्यों ना रीयूज कर लिया जाए। तो आज मैं आपको पुराने कपड़ों से एक बहुत अच्छी सी चीज़ बना के दिखाने वाली हूँ, आप बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आपको बहुत पसंद आएगा जो भी मैं बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये मैंने साड़ी ली हुई है, साड़ी मैंने पहले ही कट कर ली थी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके की कुछ साड़ी होती हैं प्लेन वाली, तो वो ले लीजिएगा आप। यहाँ पर मैंने दो पीस में ये कट कर लिया है। देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जितना बड़ा आपको बनाना है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे क्या, आप लेंगे हम इसका मेजरमेंट। मेजरमेंट ज़्यादा नहीं लेना है, बस हमें इसमें निशान लगाने बीच बीच में। तो आपको जो गैप रखना है वो आपको ना बीच में 3 इंच का गैप रख दीजिएगा। तो इससे कम भी रख सकते हैं आप, ये ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 3 इंच का यहाँ पर बीच में गैप दे रही हूँ, ज़्यादा मैं नहीं दूंगी, वैसे आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं निशान लगा लेती हूँ। फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। काफ़ी मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए और सारी थकान और मतलब टेंशन दूर हो जाती है जब आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट मेरी वीडियो पर आते हैं, पता नहीं चलता है कि मैंने मेहनत कितनी की है इस वीडियो में, लेकिन जब आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो सच में फ्रेंड बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने निशान इसमें डाल दिए हैं और इसी तरीके से हम इसमें पूरे कपड़े में ये निशान डालने वाले हैं, क्योंकि हम लगाएंगे यहाँ पर बीच में सिलाई। जहाँ जहाँ पर मैंने ये निशान लगाए हैं वहीं पर हम सिलाई डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हमें इस पर पूरी पट्टी में सिलाई लगा देनी है, जहाँ जहाँ पर मैंने निशान लगाए हैं। तो इसके बाद फिर क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हमने सिलाई तो इस पर लगा दी है, देखिए मैंने थोड़ा मार्कर से निशान लगाया था ताकि आपको चमक जाए अच्छे से। तो सिलाई मैंने इस पर लगा ली है पूरे कपड़े में। अब क्या करेंगे, देखिए हमें साड़ी का जो फालतू कपड़ा पड़ा हुआ है उसी को कट कट करके हमें पट्टियाँ निकालनी है इसमें से। और पट्टी की जो चौड़ाई मैं रख रही हूँ इसकी 5 इंच के करीब धर रही हूँ, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। आपको जितना मतलब के फूला हुआ ये बनाना है, मतलब जितना फील करना है, भरा हुआ बनाना है, आप उतनी चौड़ी पट्टी आप इसमें से ले सकते हैं। जैसे पुराने दुपट्टे हुए उसको यूज कर सकते हैं, दुपट्टे बहुत पड़े रहते हैं घरों में। और साड़ी से बनाएंगे आप तो और भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगा, मतलब काफ़ी मुलायम सॉफ्ट बनेगा। मैं पुरानी टी शर्ट भी ले लेती हूँ यहाँ पर से, इसमें से भी कपड़ा कट कर लूँगी। बहुत सारी टी शर्ट पड़ी रहती हैं घरों में, बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें, इसीलिए मैं कुछ ना कुछ पुराने कपड़ों से बनाती रहती हूँ। तो इस तरीके से हम पट्टी निकाल लेंगे इसमें से, जितनी भी पट्टी हमारे कपड़े में से इसमें से निकलने वाली हैं। देखिए फ्रेंड, जीरो कॉस्ट के आइडिया मैं लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों का एक भी रुपया खर्च ना हो और जो वेस्ट चीज़ पड़ी हुई है हमारे घर में उससे हम कुछ बेस्ट बना पाएँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें पट्टी कट करनी है। अब हम इसे बिछा लेंगे देखिए, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसके अंदर ना हमें ये पट्टियाँ फिल करनी है। तो यहाँ पर हम सहायता लेंगे सेफ्टी पिन की। सेफ्टी पिन में देखिए इस तरीके से हम पट्टी को लगाएंगे, और मैं दो पट्टी लगा रही हूँ ये, क्योंकि पतली सी पट्टी मेरे से कट गई थी और मुझे बाद में लगा कि मतलब और ज़्यादा मुझे फिल करना चाहिए। तो आप शुरू में ही चौड़ी पट्टी कट करेंगे तो एक पट्टी भी डाल सकते हैं इसमें। मेरे से थोड़ी पतली कट गई थी यहाँ पे, तो मैं दो लगा दे रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से ना इसमें पट्टियाँ डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए मैं इसमें पूरे कपड़े में ये पट्टियाँ एडजस्ट करूँगी, और सच मानिए फ्रेंड, बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है और बहुत ही आरामदायक भी था। तो यहाँ पर बस हमें थोड़ी सी देर तो लगती है, देखो बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हाँ जब मेहनत करने के बाद उसका फल मिलता है ना, तो बहुत मतलब कि बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। तो अभी तो मैं इसमें बनाते हुए मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब मुझे थकान सी लग रही थी और ऐसा लग रहा था मतलब कब बनेगा कब बनेगा, लेकिन मैं फिर भी डटी रही क्योंकि मुझे ये बनाना था, हर हालत में मुझे ये बनाना था अपने लिए। तो मैं लगी रही, मैंने कहा थकान वकान सब देखते हैं, आज पहले से बना के छोड़ेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर मैं इसमें लगी हुई थी बनाने के लिए, और जैसे जैसे बनता जा रहा था वैसे ही वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता जा रहा था कि हाँ मतलब जो मैं बना रही हूँ बन तो रहा है। तो मैं तो अकेली हूँ फ्रेंड, तो मैं किसी की सहायता नहीं ले पाती हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा काम को करने में बनाने में चीज़ों को देर लग जाती है। अगर कोई और है घर में तो आप उसकी सहायता भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पूरे कपड़े में ये पट्टियाँ फिल कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये पट्टियाँ हमने फिल कर दी हैं।
अब क्या करेंगे हम, जो इसके साइड वाले जो कपड़े निकले हुए ना एक्स्ट्रा, ये हमें कट करने हैं। यहाँ पर देखिए, बस हमें इसमें कटिंग कर देनी है फिनिशिंग के साथ। अब देखिए मैंने इसमें कटिंग तो कर दी है, अब हम लेंगे इसमें पट्टी। तो यहाँ पर ये पट्टी जो लगानी है हमें बॉर्डर में लगानी है। देखिए इस तरीके से हम बॉर्डर में पट्टी लगा देंगे। तो यहाँ पर जब हम इसमें बॉर्डर लगा देंगे तो बहुत ही सुंदर सा ये बन जाएगा। आप चाहे तो इसकी जगह कलरफुल पट्टी भी ले सकते थे। यहाँ पर देखिए मैं तो एक ही कलर की ली हूँ, अगर आप दूसरे कलर की लगाना चाहते हैं पाइपिंग तो वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पाइपिंग इसमें लगा दूंगी, हमें इसमें दोनों साइड में पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा फ्रेंड, और मुझे आशा है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। ये योगा मैट बहुत ही अच्छा है, अगर हम बाज़ार से ख़रीद के लेके आते हैं उसमें काफ़ी सारा पैसा भी हमारा जाता है। और इसमें देखिए हमने पुराने कपड़े भी रीयूज कर लिए अपने, और ये हमने बना के भी तैयार कर लिया है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये बन चुका है। अगर आपके पास और भी बड़ा कपड़ा है तो आप उससे बना लीजिएगा, मेरे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं था तो मैंने यही बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं आपको खड़ा होकर दिखा दे रही हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि सॉफ्ट पैरों में ये लग रहा था। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में योगा मैट बना सकते हैं, आप इसे अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। और ये है इसका फाइनल लुक, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इसी तरीके की एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए राम राम जी।